जी प्लस वन क्लास वेलकम टू योर बायोलॉजी सेशन। असी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जड़ा है वो डिस्कस कर रहे सूँ ही अगे बतावे। असी दो तरह की गल् की कि ब्रांचिंग स्टाइल ऑफ ब्रांचिंग जो असं डिस्कस कर रहे सर दो टाइप्स अतियां सगिया रेसमोस से साइमोस। रेसमोस असी समझ लिया सीगा, रेसमोस मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट कर दिया। द रेसमोस इज समथिंग लाइक दिस डायग्राम देखो, इन अ मोनोपीडियल ब्रांचिंग द टर्मिनल बड कॉन्टिन्यूट्स एक्टिविटी अनडेफिनेटली, द लेटर ब्रांचेस आर बोन ओवर इट इन एन एक्रोपीडल सक्सेशन दैट इज ओल्डर टूवर्ड्स द बेस एंड यंगर टूवर्ड्स द टिप। मतलब ओल्डर जड़ा है वो नीचे नीचे जाई जाएगा और उपर वालों नवी ब्रांचेस जड़िया ने उगी जाएगी, दैट इज कॉल्ड रेसमोस और एक्रोपीडल सक्सेशन। रेसमोस के विच तुहानू पता लग गया कि उपर वाले वालू हिस्सा जड़ा वह बनता है, डायकोटोमस ब्रांचिस भी तुहानू दस दी साइड्स तो निकल आन गया। हुण आ गई असी साइमोस उत्ते, नाउ लेट्स कम टू द साइमोस। द साइमोस ब्रांचिंग द टर्मिनल बड आफ्टर फॉर्मिंग द स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सिस, जदों थोड़ा जिहा उपरला हिस्सा वो तैयार कर देंगे है, उस तो बाद ईदर स्टॉप इट्स एक्टिविटी, या तो उस अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देता है या वो मॉडिफाइड हो जाता है किदे विच, या फ्लावर के रूप में या टेंड्रिल या थॉन के रूप में, उन्हें अगों ग्रो नहीं करना। सो इहदा मतलब यह होंदा कि इहदी ज़्यादा लंबाई नहीं जाएगी प्लांट की, इहदा झाड़ ज़्यादा हो सकता है, इहदा खिलार ज़्यादा हो सकता है, बट इहदी लंबाई इन्नी ज़्यादा नहीं हो सकती। सो फरदर ग्रोथ ऑफ द एक्सिल इज कॉन्टीन्यूड बाय वन और मोर एक्सिलरी ब्रांचेस। सो एक या एक तो ज़्यादा एक्सिलरी ब्रांचेस जिहड़ियां निकल आणगियां अकॉर्डिंग टू इट इज़ ऑफ थ्री टाइप। इस करके अगों तीन तरह की है, यूनिपैरस यानी कि मोनोचेजियल। सो वैन द टर्मिनल बड स्टॉप इट्स एक्टिविटी फरदर ग्रोथ इज कॉन्टीन्यूड बाई अ सिंगल एक्सिलरी ब्रांच, किसी एक सिंगल एक्सिलरी ब्रांच के द्वारा ये अगू बढ़ रही है पर उन्हें अपनी टर्मिनल बड जी उन्हें अपनी एक्टिविटी जी स्टॉप कर दी। सून इट बर्ड्स ऑलसो स्टॉप ग्रोथ, बर्ड ने भी स्टॉप करता ग्रोथ करना, एंड द प्रोसैस इज रिपीटिड, फिर अगों दोबारा मोनोऑक्सिल ब्रांच जी निकल आई। द मेन एक्सिस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द बेसिस ऑफ एक्सिलरी ब्रांचेस एंड द मेन स्टेम, इट इज कॉल्ड द सिंपोडियल एक्सिस, यानी कि सिंपोडियम बन जाता है, एक गुच्छा टाइप बन जाता है। द सक्सेसिव ब्रांचेस आर मे डिवेलप ऑन ईदर बोथ द साइड्स वैन इट इज द स्कॉर्पियड, यानी कि ग्रेप वाइन के देखते हो डायग्राम्स के देखो बेटा, फस्ट जिहड़ा यूनीपैरस असी जो कर रहे हैं और द मोनोचेजियल ब्रांचिंग ऑफ स्टेम ए बी हेलीकॉइड टाइप, ए और बी के जिहड़ा ध्यान नाल देखो इस तरीके नाल, ये पहली बर्ड सी इतने बर्ड निकलाई स्टॉप कर दिता, अगों जी नवी ब्रांच निकलाई, फिर अगों बर्ड ने स्टॉप करता, फिर अगों नवी ब्रांच निकली, बर्ड्स निकली जा रही स्टॉपेज हो जा रही है, ये भी सेम कंडीशन चल रही है, अगों नवी नवी बर्ड निकलती है स्टॉप हो जाता है, फिर अगों नवी बर्ड निकलती है तो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और स्कॉर्पियो ब्रांच टाइप देखो, ये थोड़ा जहा स्कॉर्पियो की तरह मतलब टेढ़ा मिट्टी चाल है, पहले हो गया इधरों एक नवी ब्रांच निकलाई, फिर उधर साइड टू गया, फिर उधर एक नवी ब्रांच हो गई, बट देखो एक जिगजैग पोर्शन के जोड़ा वा वो निकल रहा है, इस तरह भी निकलता है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये बिचों ब्रांचिज निकल रही ने, ब्रांच जी उ स्टॉप हो जाती है, वही ब्रांच जी अगे चल जाती है। सो ऑन और ऑन द साइड वैन ओनली वैन इट इज़ नोन एज द हेलीकॉइड, दैट इज़ अशोका ट्री के देखने को मिलता है। इन ग्रेप वाइन द लीफ अपोज टेंड्रिल्स, ग्रेप वाइन के हमेशा इस तरह होंगे लाइक देखो, अगर इस तरह डंडी टेंड्रिल लग रही है तो इस तरह अगर साइड पर द ग्रेप वाइन का निकल रहा है, इस तरह करके निकल रहा है लाइक दिस, तो हमेशा टेंड्रिल जी दूसरी साइड पर होंगी है, इस तरह ही अगों ग्रो करता रहता है लाइक दिस, ठीक है। सो इस तरह की डायग्राम है, सो हमेशा ग्रेपवाइन द लीफ अपोज टेंड्रिल्स प्रेजेंट द मॉडिफाइड टिप्स ऑफ ब्रांचेस द बेसिस ऑफ विच हैव फ्यूज टू फॉर्म द एक्सिस, जिहड़ा वा बेस जिहड़ा वा फ्यूज हो जाता है वो एक्सिस बनाई जाएगा, अगों फिर नवी ब्रांच निकली जाएगी। सो यदी सी यूनीपैरस और मोनोचेजियल, ठीक है, ये जड़िया टाइप्स ने तुसी फस्ट टाइप देख ली यूनीपैरस और मोनोचेजियल, दूसरी जी है वो कि बायपैरस और डायचेजियल। आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्मिनल बड, जो टर्मिनल बड बिल्कुल स्टॉप कर जाएगी, फर्दर ग्रोथ इज कॉन्टीन्यूड बाय टू एक्सिलरी बड, हूँ दो बाय आ गया इट मीनस दो, डाय आ गया मीनस दो, उत्थे इको निकल रही थी मोनोचो यूनीपैरस के मोनोचेजियल दो ब्रांचिज जड़ियाँ ने एक तो बाद निकल आ। सो दिस द प्रोसैस इज रिपीटड अगेन एंड अगेन, जिस तरह वो रिपीट हो रहा है इस तरह के रिपीट होगा। दिस एक्सिस इज कॉल्ड मल्टीपोडियल, ये एक्सिस जो मल्टीपोडियल बन जाएगा, बहुत सारे मिलस्टोए
करोड़ा दे विच मिराबलस जलापा 4 o'clock दे विच ये डायग्राम तुसीं ध्यान नाल देखो इस तरह की डायग्राम जी बन के तुहाडे सामने जी आ जाएगी इस तरह एक स्टैप स्टॉप हो गया फिर 2 branches निकल आई फिर अगों का स्टैप स्टॉप हो गया फिर 2 branches निकल आई इस तरह एक गुच्छा जिहड़ा तैयार हो जाएगा इस तरह ही मल्टीपैरस है उहदे च 2 है ये ज़्यादा निकल आनी है सो मल्टीपैरस तुम इसी पढ़ लीए पॉलीचेजियल मोनोचेजियल डाइचेजियल एंड पॉलीचेजियल यानी कि मल्टीपैरस आफ्टर स्टॉपेज द ग्रोथ ऑफ बाय अ टर्मिनल बड ग्रोथ इज कॉन्टीन्यूड बाय अ रोल रोल मतलब गुच्छा बन जाता है ऑफ 3 or more एक्सिलरी ब्रांचेस द एक्सिस इज मल्टीपोडियल यूफोर्बिया के जो देखने को मिलता है ध्यान नाल डायग्राम में देखो फस्ट जी एक्सिल ब्रांच है वो ग्रोथ स्टॉप हो गई इतों 4 branches वो निकल आई फिर अगों उन्होंने जी मेन सी स्टॉप हो गई 4 branches तक वो निकल आई सो सिंपल सिंपल जी पैटर्न तो गल समझ वाली रेसमोस साइमोस साइमोस ने 3 examples ने यूनीपैरस बाईपैरस और मल्टीपैरस यूनीपैरस नू मोनोचेजियल बोल देने आ बाईपैरस नू डाइचेजियल और मल्टीपैरस नू पॉलीचेजियल सो नाउ दीज आर द 3 types ऑफ साइमोस ब्रांचिंग ओके बेटा दैट्स इनफ फॉर टुडे क्लास.